सुलेखा जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी जय हिंद सुनीता जी। मेरे दो तीन सवाल है। जी बताइए। मेरे बहन है ना, उसको बचपन में टीबी हुआ था, तो उसको क्या अभी ऐसा कफ रहता है, अस्थमा जैसा, तो उसको उसके लिए दवा कौन सी है तो वो बताओ। ठीक है। और मैंने नहीं क्या आपके लिए नहीं क्या वो एस्केर खाई, सुपर एस्केर भी खाई तुम्हारे यहाँ से, आलोक दर्द भी खाई थी। अभी गोन्सिया चल रहा है मेरा, अभी फिर मेरे शरीर में नहीं क्या नसों में झंझनाहट ज्यादा रहती है, ऐसे नहीं क्या पूरा बॉडी का पार्ट नहीं क्या ऐसा झंझनाहट रहता नसों में, ठीक है ऐसा चले तो ऐसा लगता मैं गंडल टिक गया क्या। ठीक है ठीक है। और नहीं क्या अभी उस दिन बताया तुमने, आपने वो नमक जैतून का पानी ना सो खाने का सोला वो खा रही हो अभी, ठीक है ठीक है। तो उसके लिए कुछ बताओ, वो मेरे शरीर में झंझनाहट नसों में रहती है पूरी। ठीक है मैम जी। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था नमक जैतून खाने का सोडा, इससे आपका खून पतला होगा। खून पतला होगा तो खून आसानी से बहेगा और झंझनाहट खत्म हो सकती है। गौंडसिया से आपको फ़ायदा है तो आप काबिले मुबारकबाद हैं और बहुत जल्द आप अच्छे हो सकते हैं। और क्या सवाल था? जी अस्थमा जैसा रहता है इनकी जो बहन है, और कफ की शिकायत बहुत रहती है। हाँ, तो जिसको भी टीबी होती है उसके लंग्स यानी फेफड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। अब टीबी का इलाज तो हो गया लेकिन फेफड़े का इलाज नहीं हुआ, तो माजून आर केयर आप उन्हें दें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम माजून आर केयर, और 6 महीने दें तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी तो बहुत बेहतर मैम, आपकी बहन भी हो जाएंगी और आप भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। देखिए दर्शकों, आप जब नुस्खे अपनाते हैं और आपको थोड़ा भी आराम मिलता है, तो ये बात मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि फिर आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका जो रोग है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आप लोग देखिए इंतज़ार करते हैं, संयम रखते हैं, और पहले से इतने सारे ट्रीटमेंट आप फॉलो करते आ रहे होते हैं जिनसे आपको लाभ नहीं मिलता है। आप लोग दवाइयों के एडिक्शन से बच जाते हैं, आप लोग घरेलू नुस्खे जब अपनाते हैं जो हकीम साहब आप तक पहुँचाते हैं, आपको देखिए एक तो उनका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, और आप जो पहले से ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे होते हैं उसके साथ साथ आप घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सभी लाभ मिलता है तो ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि अब आपका रोग जड़ से खत्म होने वाला है। लेकिन इंतजार के साथ, संयम के साथ घरेलू नुस्खे जरूर अपनाइएगा।